गैस मेरे परव्यू पर देखे थे किस टाइप से यहाँ पे एक वीडियो है जो यहाँ पे बहुत इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है हर्ष बेन वाले वीडियो। तो लाइक इस टाइप से आप सबको वन क्लिक के अंदर आप सबको एडिटिंग करना सिखाऊंगा, मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। लाइक आप सबको वन क्लिक के अंदर सिनेमेटिक टाइप से आप सबको यहाँ पे रील्स को एडिट करना सिखाऊंगा, आप सबको फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा किस टाइप से आप इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो आसानी से। तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपकट एप्लीकेशन की मदद से। लाइक आप सबको जो आप सबको वीडियो चाहिए वो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस टाइप से आप सबको वीडियो बनाकर दूंगा। तो सिंपली चलते हैं डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक वीडियो बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले कोई भी एक वीपीएन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट करना है, तभी आप कैपकट एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। लाइक आप सबको कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, आप सबको फुल वॉच करना, तभी इस वीडियो को आप एडिट कर सकते हो। तो लाइक आप सबको प्लस पर टैप करना, लाइक प्लस पर टैप हो जाने के बाद अब आप सबको सिंपली एक वीडियो को अपने यहाँ पे वीडियो को ऐड करना, लॉन्ग वीडियो को ऐड करना जो आप यहाँ पे शूट किए होंगे। सिंपली वो वीडियो को आप सबको छोटा छोटा पार्ट करना है। लाइक छोटा छोटा पार्ट हो जाने के बाद अब आप सबको सिंपली वो वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। तो मैं अपने उस वाले वीडियो को ऐड करता हूँ। लाइक ऐड हो जाने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, लाइक आप सबको ऐड पर नीचे पे टैप करना। लाइक ऐड पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से शो होगा। लाइक इस टाइप से शो हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा आप किस टाइप से इस रील्स को एडिट कर सकते हो। लाइक आप सबको लास्ट पार्ट पे आप सबको आना, इसके बाद इसमें एक वाटर मार्क मिल जाएगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करके लाइक इसको डिलीट कर देना। अब आप सबको वीडियो को फर्स्ट लेंथ में आना है, उसके बाद आप सबको एक यहाँ पे हर्ष बेन वाले वीडियो को ऐड करना है। लाइक ऐड करने के लिए आप सबको यहाँ पे ओवरले पर टैप करना, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। लाइक ऐड ओवरले पर क्लिक करने के बाद उस वीडियो को हम लोग एडिटिंग करेंगे उसकी मदद से। तो लाइक आप सबको सिंपली उस वाले वीडियो को ऐड करना है। लाइक ऐड हो जाने के बाद ऐड पर टैप करना। लाइक ऐड पर टैप हो जाने के बाद अब आप सबको स्क्रॉल करना नीचे पे, नीचे पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप सबको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन दिखेगा। तो लाइक इस म्यूजिक को आप सबको एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे, इस म्यूजिक को पूरी तरह से यहाँ पे ये म्यूजिक में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसमें एक बीट्स को ऐड करेंगे। तो लाइक अपने म्यूजिक पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे एक बीट का आइकन दिख जाएगा। तो लाइक आप सबको बीट पर टैप करना, उसके बाद स्क्रॉल करना, उसके बाद बीट्स को ऐड करना। वीडियो का पार्ट चेंज होता है, लाइक आप सबको वहाँ पे बीट ऐड करना। यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से मेरे यहाँ पे वीडियो का पार्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद अब आप सबको यहाँ पे ऐड बीट पर टैप करना, तो आप सबको यहाँ पे आगे करना। फिर से आगे करने के बाद ये वीडियो का पार्ट जहाँ पे चेंज होता है, लाइक आप सबको वहाँ पे आप सबको एक यहाँ पे ऐड बीट पर टैप करना। ऐड बीट पर टैप हो जाने के बाद ये देख सकते हो पूरी तरह से ये वीडियो का पार्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो लाइक आप सबको ऐड बीट पर सिंपली इसको आप सबको यहाँ पे कट करना, तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ जल्दी से। तो आप सबको फर्स्ट पे आप सबको यहाँ पे बीट्स को ऐड कर लेना। बीट्स ऐड मैं यहाँ पे पूरी तरह से कर चुका हूँ। लाइक आप सबको जो पार्ट यहाँ पे चेंज होता है सिंपली वहाँ आप सबको यहाँ पे बीट्स को ऐड करना। लाइक बीट्स ऐड हो जाने के बाद अब आप सबको राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे सिंपली यहाँ से आप सबको बैक आना है। लाइक बैक आने के बाद ओवरले पर क्लिक करना, उसके बाद आप सबको ये ओवरले का वीडियो सिंपली इसको सेलेक्ट करके लाइक इसको डिलीट कर देना। बीट्स को अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। तो लाइक एडिटिंग करने के लिए आप सबको फर्स्ट पे आप सबको अपने वीडियो के फर्स्ट लेंथ में आना है। उसके बाद आप सबको एक स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा। लाइक आप सबको स्पीड पर क्लिक करके कर्व को सिलेक्ट करना। लाइक कर्व को सिलेक्ट हो जाने के बाद कस्टम पे टैप करके अपने यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके सिंपली ये वाले को आप सबको वीडियो को जो जिस टैप से आपके वीडियो रहेगा सिंपली उस टैप से आप सबको सुलमो करना है। लाइक सुलमो हो जाने के बाद अब आप सबको ये बीट है सिंपली आप सबको यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आप सबको बैक आने के बाद स्प्लिट करके ऑप्शन दिखेगा। लाइक आप सबको स्प्लिट करके लाइक आप इसको डिलीट कर देना है। लाइक डिलीट हो जाने के बाद अब आप सबको सिंपली अपने यहाँ पे आगे के लेयर में आना है। आगे के लेयर में आने के बाद अब आप सबको यहाँ पे फिर से आप सबको यहाँ पे कट करना, ये वाले को सिलेक्ट करके आप सबको स्प्लिट करना है। उसके बाद डिलीट का आइकन दिख जाएगा। लाइक आप सबको डिलीट कर देना है। लाइक डिलीट हो जाने के बाद अब आप सबको सिंपली ये वाले को फर्स्ट जो पार्ट है सिंपली उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना पूरा। उसके बाद अब आप सबको यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना है। लाइक प्लस पर क्लिक करने के बाद अब आप सबको यहाँ पे अपने छोटा छोटा वीडियो को आप सबको लेंथ को आप सबको ऐड करना, छोटा छोटा वीडियो को क्लिप को ऐड करना। लाइक ऐड हो जाने के बाद जो यहाँ पे बीट है सिंपली अब आप सबको वहाँ पे आप सबको कट करना। यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा बीट है सिंपली वो आप सबको बीट में आप सबको सारे यहाँ पे कट करना। यहाँ पे कट करने के बाद आप सबको जो छोटा क्लिप है वो आप सबको ये छोटा छोटा यहाँ पे देख सकते हो बीट सिंपली वो सब में ऐड करना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में मैं यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे यहाँ पे क्लिप को मैं ऐड कर लिया हूँ। लाइक आप भी यहाँ पे सारा क्लिप को ऐड करना है। लाइक ऐड हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे रोटेट वाले इफेक्ट ऐड करेंगे। तो लाइक रोटेट बनाने के लिए अपने यहाँ पे फर्स्ट वाले वीडियो को लेयर पर टैप करना है। लाइक वीडियो के लेयर पर टैप हो जाने के बाद स्क्रॉल करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा।
तो मार्क्स पर क्लिक करना। लाइक मार्क्स पर क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक यहाँ पे रेक्टेंगल आप सबको ये वाले इफेक्ट, उसके बाद सिंपली इतना हो जाने के बाद ऐड हो जाने के बाद अब आप सबको एक कोने में ये वाले यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली इसको रोटेट करना अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप से रोटेट करना चाहते हो, लाइक उस टाइप से रोटेट करना। मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। लाइक आप सब यहाँ पे अपने यहाँ पे वीडियो को आसानी से रोटेट कर लेना। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैं पूरी तरह से रोटेट कर चुका हूँ। उसके बाद राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। तो लाइक फिल्टर लगाने के लिए आप सबको यहाँ पे अपने यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप सबको फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे देखने को। सिंपली आप सबको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। लाइक स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप सबको मूवी पर क्लिक करना है। मूवी पर क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक ग्रीन ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली ये वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे अपने ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो लाइक अपने यहाँ पे ये वाले इफेक्ट को ऐड करके सिंपली आप सबको राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद इसको अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में अप्लाई करना, फुल वीडियो के लेंथ में अप्लाई कर देना। पूरी तरह से अप्लाई हो जाने के बाद अब आप सबको फिर से यहाँ पे बैक आना। बैक आने के बाद फिल्टर पर टैप करना। उसके बाद फिर से फिल्टर पर क्लिक करके एक बार मैं आप सबको ये वाले फिल्टर को ऐड करना, मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रॉल करना है, देख सकते हो बैड बुनी। सिंपल इस पर ये वाले फिल्टर को ऐड करके आप सबको सिंपली आप सबको यहाँ पे 70 रखना, 70 या 75 के आसपास रख के राइट पे टैप करना। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद आप सबको सिंपली ये इस टैप से शो होगा। उसके बाद सिंपली इसको भी अपने वीडियो के फुल लेंथ में अप्लाई कर देना यहाँ पे इस टैप से। तो लाइक इतना हो जाने के बाद अब आप सबको वीडियो को प्ले करना कुछ इस टैप से। प्ले करने के बाद अब आप सबको आगे के पार्ट भी आना है। लाइक आगे के पार्ट पे आने के बाद अब आप सबको सिंपली इसको आप सबको मार्क्सिंग करेंगे। तो लाइक मार्क्सिंग करने के लिए फिर से आप सबको वीडियो के लेयर पर टैप करना। उसके बाद स्क्रॉल करके फिर से आप सबको मार्क्स पर क्लिक करना। मार्क्स पर क्लिक हो जाने के बाद अब मैं आप सबको मिरर पर आप सबको क्लिक करके सिंपली इसको इस टैप से रोटेट करना। मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो सिंपली इस टैप से आप सबको यहाँ पे रोटेट करना। रोटेट करने के बाद अपने यहाँ पे वीडियो में फुल अप्लाई करना इस टैप से। फुल अप्लाई हो जाने के बाद अपने ये वाले क्लिप में अपने यहाँ पे फर्स्ट में आना। उसके बाद यहाँ पे एक की फ्रेम का यहाँ ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली की फ्रेम पर आप सबको क्लिक करना है। की फ्रेम पर क्लिक हो जाने के बाद अब आप सबको अपने लास्ट वीडियो के क्लिप में आना है। लास्ट वीडियो में क्लिप में आने के बाद अब आप सबको सिंपली इसको थोड़ा सा जूम करना। जूम करते करते आप सबको यहाँ पे अपने हाफ यहाँ पे वीडियो में स्क्रीन में अप्लाई करके आप सबको यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप सबको यहाँ पे बैक आना। बैक आने के बाद राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका। अब हम लोग इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे। तो लाइक इफेक्ट ऐड करने के लिए अब आप सबको यहाँ पे वीडियो को प्ले करना इस टैप से। लाइक वीडियो को प्ले करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक लिरिक्स लिखना है। तो सिंपली लिरिक्स लिखने के लिए आप सबको यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो लाइक आप सबको इफेक्ट ऐड करने के लिए एनिमेशन ऐड करने के लिए आप सबको यहाँ पे अपने वीडियो के लेयर पर टैप करना, एनिमेशन पर क्लिक करना है। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक लेफ्ट राइट सिंपली आप सबको ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे फिल्टर तो सिलेक्ट करना, यहाँ पे स्लाइड राइट, उसके बाद आप सबको राइट पे टैप करना। उसके बाद फिर से दूसरा क्लिप में आना है। लाइक दूसरा क्लिप में आने के बाद एनिमेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आप सबको यहाँ पे स्लाइड राइट आप हम लोग सेलेक्ट किए थे, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड राइट आप सबको सिंपली इस पर आप सबको क्लिक करना। स्लाइड राइट उसके बाद स्लाइड लेफ्ट सिंपली आप सबको क्लिक करना। उसके बाद फिर से राइट पे टैप करना। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद फिर से अपने आगे के लेंथ में आना। उसके बाद आप सबको आगे आना। आगे आने के बाद यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट को अपर में सेलेक्ट करना, राइट पे टैप करना। उसके बाद सेम ट्रिक को अप्लाई करना। सारे यहाँ पे जो छोटा छोटा क्लिप है सिंपली उसमें स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट आप सबको सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पे फर्स्ट में मैं यहाँ पे फास्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पूरी तरह से मैं कर लिया हूँ। उसके बाद इतना हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे लिरिक्स ऐड करना है। लाइक लिरिक्स ऐड करने के लिए अब आप सबको यहाँ पे आना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद अब आप सबको यहाँ पे लिरिक्स को लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली इस टैप से आप सबको ऐड टेक्स्ट पे टैप करना। ऐड टेक्स्ट पे टैप करने के बाद अब आप सबको यहाँ पे जिस टैप से चलता है ये लिरिक्स सिंपली उस टैप से लिख आप सबको लिखना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिख लेता हूँ। तो आप सबको टेक्स्ट पर क्लिक करके आप सबको ऐड करना, स्टाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉन्ट पे टैप करके अपने फॉन्ट को ऐड करना है। तो मैं अपने फॉन्ट को ऐड कर लिया हूँ। लाइक आप भी अपने फॉन्ट को ऐड करना। यहाँ पे बहुत सारे आप सबको फॉन्ट मिल जाएंगे देखने को। तो लाइक आप सबको फॉन्ट पर टैप करके स्टाइल पर क्लिक करके अपने कलर को ऐड करना। जो कलर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं सिंपली वो वाले कलर को ऐड करके सिंपली अपने यहाँ पे कोने में ऐड करना। ये अच्छा लगेगा दिखने में। तो सिंपली इस टैप से कोने में ऐड करना। कोने में ऐड हो जाने के बाद अब आप सबको राइट पे टैप करना। यहाँ पे एक एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे आप सबको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली जो आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो आप सबको टैप टू पर ऐड करके राइट पे टैप करना। लाइक राइट पे टैप होने के बाद अब आप सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे फिर से अपने दूसरा आप सबको लिरिक्स सुनना, उसके बाद ऐड करना। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं कर लेता।
तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, लाइक आप भी यहाँ पे ऐड कर लेना। लाइक ऐड हो जाने के बाद आप सबको सिंपली ये वाले को अपने वीडियो में फुल अप्लाई करना, जहाँ तक ये चलता है, जहाँ तक आप सबको यहाँ पे लिरिक्स चलता है सिंपली वहाँ पे आप सबको ऐड करना। मैं यहाँ पे पूरी तरह से ऐड कर लिया हूँ। लाइक आप सबको फॉन्ट को सेम ट्री को अप्लाई करके एडिट पर क्लिक करके सिंपली इसको एडिट कर लेना। एडिट हो जाने के बाद ये आप यहाँ पे दूसरा क्लिप चलता है सिंपली, वो आप सबको लिरिक्स सुनकर आप सबको ऐड करना सेम ट्री को अप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से लिरिक्स को ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद आप सबको राइट पे टैप करना। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद अपने ये वाले को अपने फुल यहाँ पे अपने वीडियो के क्लिप में अप्लाई कर देना, जहाँ पे ये लिरिक्स चलता है सिंपली वहाँ तक आप सबको अप्लाई करना है। तो मैं पूरी तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ, सिंपली देख सकते हो आप सबको यहाँ पे अप्लाई कर देना। लाइक अप्लाई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे पूरी तरह से वीडियो आप सबको प्ले करके दिखा देता हूँ किस टाइप से मेरा यहाँ पे वीडियो पूरी तरह से बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो लाइक इस टाइप से वन क्लिक के अंदर आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, देख सकते हो किस टाइप से ये रोटेट हो रहा है, किस टाइप से ये लिरिक्स चल रहा है। तो आप सबको यहाँ पे मैं यहाँ पे फुल आप सबको वॉल्यूम देकर आप सबको कुछ सेकंड में बता देता हूँ। तो इस टाइप से हो जाने के बाद तो मेरे इस वीडियो के क्लिप से मेरे यहाँ पे लिरिक्स चल रहा है। तो आप सबको सिंपली लिरिक्स लिखने के बजाय आप सब यहाँ पे ऐड ओवरले पर क्लिक करके ओवरले पर टैप करना है। उसके बाद अपने यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करना जो सॉन्ग्स का आप सबको लिरिक्स चाहिए सिंपली, वो आप सबको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो लाइक आप सबको ये वाले को ऐड करना, उसके बाद ऐड पे टैप करना। लाइक ऐड पे टैप हो जाने के बाद अब आप सबको ब्लेंड का आप सबको यहाँ पे एक सामने ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा। लाइक आप सबको ब्लेंड पर टैप करना है, फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। तो लाइक आप सबको फिल्टर पर टैप करके ऐड पे टैप करना है। लाइक ऐड पे टैप करने के बाद हो चुका है। तो इस टाइप से अपने लिरिक्स को आसानी से आप ऐड कर सकते हो। लाइक ऐड हो जाने के बाद सिंपली अपने ये वाले लिरिक्स को अच्छा तरीके से एडजस्ट करना, तब आपके वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। सिंपली स्क्रॉल करके ये वाले को आप सबको रोटेट करना, इस टाइप से मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो सिंपली इस टाइप से रोटेट करना है। लाइक रोटेट हो जाने के बाद अब आप सबको सिंपली इसको आप सब यहाँ पे अपने वीडियो के बीच में लगाना है। लाइक लगाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे जो आप सबको छोटा छोटा पार्ट है सिंपली उसके बगल में जो आप सबको वीडियो है सिंपली आप सबको उस पर क्लिक करना है। लाइक उस पर क्लिक करने के बाद आप सबको बीच में एक यहाँ पे दिख जाएंगे आइकन, तो लाइक आप सबको इस पर टैप करना। इस पर टैप करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ब्लैक फैट को सेलेक्ट करके राइट पे टैप करना। उसके बाद फिर से आगे आना है। लाइक आगे आने के बाद फिर से आप सबको यहाँ पे इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आप सबको यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे सोलोमो सिंपली इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जो फिल्टर आप सबको अच्छा लगेगा दिखने में उस पर राइट पर टैप करना सेलेक्ट करके, फिर से आगे आना है। आगे आने के बाद आप सबको सिंपली फिर से उसी ट्रिक को अप्लाई करना। यहाँ पे जो आप सबको फिल्टर अच्छा लगेगा दिखने में सबको वो आप सबको ऐड करना है। अलग ऐड हो जाने के बाद मेरे पूरी तरह से यहाँ पे उस टैप से यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है हर्ष बैन वाले लाइक वो उस टैप से मेरे पूरी तरह से यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो लाइक इस टैप से देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे आप सबको मैं यहाँ पे पूरी तरह से मैं वीडियो एक्सपोर्ट करके आप सबको दिखा देता हूँ किस टैप से मेरे वीडियो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। क्योंकि ये आप सबको मैं अभी प्ले करूँगा तो आप सबको ये एप्लीकेशन हैंग करता है, लैग करता है। तो लाइक आप सबको मैं आप पूरी तरह से मैं वीडियो आप सबको बता देता हूँ किस टाइप से एडिट हो चुका है।